चले जाओ। आज मैया तारा ने सबरिया दी है, रोहितास बगिया में पहुंचे, फूलों को तोड़ते जा रहे हैं और उसी सबरिया में रखते जा रहे हैं। विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा, आज धरो। विश्वामित्र ने विचार किया, चलो रोहितास हम भी आ रहे हैं। बगिया में पहुंचे जहां रोहितास फूल तोड़ रहे थे, नाग बन करके बैठ जाते हैं। जैसे ही आगे हाथ बढ़ाया, एकदम से उंगली में डस लिया। रोहितास मैया मैया कह करके वहीं गिर जाते हैं। विश्वामित्र ने आवाज लगाई है, अरे काशी के लोगों, किसी का पुत्र गया है बगिया में फूल लेने के लिए, अरे किसी का हो तो मैया अपना पुत्र जाकर के देख ले। आज मैया तारा के कानों में आवाज पड़ी है, विचार किया कि मेरा ही पुत्र गया है बगिया में फूल लेने के लिए। आज मैया तारा ब्राह्मण देव के पास में चल पहुंची, कहा कि मैं चली जाऊं, मेरा पुत्र बगिया में पड़ा है। कहा कि पहले भगवान का भोग लगा दे, उसके बाद जाना। भोग लगाया, कहा मैं अब चली जाऊं। कहा कि अरे पहले हमें भोजन करा दे, उसके बाद जाना। भोजन कराया, कहा मैं अब चली जाऊं। कहा कि तेरा पुत्र न हो गया घर की भाभी हो गई, चली जा। आज मैया तारा एकदम से भागी, न जाने रास्ते में कितनी बार गिरी है, जैसे तैसे जाकर के बगिया में पहुंची है। पुत्र को उठाया, गोदी में भर लिया। लाला ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? झपट करके गोदी में ले लिया। लाला क्या हुआ? कहा कि मैया हमें नहीं मालूम था कि ना फूलों में कोई काला नाग भी बैठा हुआ है। जैसे ही मैंने आगे हाथ बढ़ाया, एकदम से मेरी उंगली में डस लिया। मैया मेरे पूरे शरीर में जहर फैल चुका है, मैं ज्यादा तुमसे कुछ नहीं कह सकता। और धर्म के पीछे हम लोग अलग अलग हुए हैं, तो धर्म को कभी भी पीठ मत देना। मैया आप रो नहीं, धैर्य धारण करो। मैया बोली है, रोहितास बोले, मैया क्यों रही है मात तू, मेरा बदन अब कसी दो। जब धीरे दिल में दियो एक बार पुचकार की, गोद मैया लीजियो। हाँ मैया
आता है, एक ना एक दिन यहां से सभी को जाना है, इसलिए रो नहीं। तेरे बिछुड़न को पे मैं जानती तो तुझे बगिया में फूल लेने के लिए नहीं भेजती। बुढ़ापे का सिर्फ तेरा ही सहारा था, तू भी हमें छोड़ करके जा रहा है। राजपाट धनदौलत सब कुछ हमारा चला गया, केवल एक तेरा ही सहारा बचा था। लाला अब मैं किसके सहारे जीवन यापन करूंगी। बैठो करू
बिलास मैया तारा बिला कर रही है, कोई धैर्य धड़ कराने वाला नहीं है। आज रोहिदास खत्म हो जाते हैं तो कभी जमीन पे लिटा देती है, कभी गोद में ले लेती है। कोई नहीं है जो मैया को धैर्य धड़ करा देता। आवाज लगा रही है लादा, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल।